हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है पूरा, जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पर मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्सेज लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज़ दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। नाउ मोस्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम्स, व्हेनेवर आई मीन यू सी द सीपीयूज इन द कंप्यूटर सिस्टम, सो दीज सीपीयूज आर बेसिकली योर एडर लॉजिक्स। जितने भी आपके पास सीपीयूज हैं ये सभी सिर्फ एडर लॉजिक्स होते हैं। व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस इज, इफ इन अ सीपीयू, इन अ सीपीयू, दिस सीपीयू इज ऑलवेज एन एडर। आपका जो सीपीयू है वो हमेशा एक एडर होता है। देखो आपका जो सीपीयू है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी डन बाय द सीपीयू, सीपीयू क्या वर्क को परफॉर्म करता है। सीपीयू परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, दैट मींस सीपीयू परफॉर्म एडिशन, इट परफॉर्म्स सब्ट्रैक्शन, इट परफॉर्म्स मल्टीप्लीकेशन, इट परफॉर्म्स डिवीजन। दीज फोर आर द फंडामेंटल ऑपरेशंस, एंड यूजिंग दीज ऑपरेशंस वी कैन डिराइव अदर ऑपरेशंस। मे बी यू वॉन्ट टू फाइंड लॉगरिथम्स, मे बी यू वॉन्ट टू फाइंड सम अदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस। ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड जस्ट यूजिंग दीज फोर ऑपरेशंस, मतलब इन चारों से हम सभी ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, वी हैव सीन दैट वी कैन क्रिएट अ लॉजिक दैट इज एडर लॉजिक, वी कैन क्रिएट अ सीरियल एडर, वी कैन क्रिएट अ पैरेलल एडर। तो हम एडर्स को अलग से बना सकते हैं, वी कैन मेक सब्ट्रैक्टर्स, वी कैन मेक मल्टीप्लायर्स, वी कैन मेक डिवाइडर्स। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। बट द थिंग इज, मोस्ट ऑफ योर डिवाइसेज नाउ अ डेज दे आर श्रिंकिंग इन साइज, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मोबाइल फोन, राइट? सो दिस मोबाइल फोन कंटेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ सर्किट्स। इफ आई एम गोइंग टू एड अ सब्ट्रैक्टर, एडर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज अ लॉजिक हियर इन दिस मोबाइल फोन, देन वट विल हैपन, द सर्किट साइज विल इंक्रीज एंड द सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। आपका जो सर्किट का साइज है वो भी इंक्रीज होगा, और जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज होगी। सो देट इज वाई वट वी डू इज, वी ओनली हैव एन एडर लॉजिक, जस्ट बाई परफॉर्मिंग एडिशन आई कैन ऑल्सो परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो इन योर सी पी यू, वट एवर नंबर यू गिव, फॉर एग्जाम्पल नंबर गिव, यू गिव अ नंबर एक्स एंड यू गिव अ नंबर वाई, देन यू परफॉर्म एक्स प्लस वाई, दिस इज वट सी पी यू डज। तो ये एक फंक्शनैलिटी है जो आपका सी पी यू परफॉर्म करता है। नाउ एनी अदर फंक्शनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन, सो सब्ट्रैक्शन कैन ऑल्सो भी डन बाई दिस। इफ यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, एक्स प्लस ऑफ माइनस वाई, देन दिस विल बी इक्वलेंट टू सेइंग एक्स माइनस वाई। आई मीन जस्ट बाई एन एडर लॉजिक, if you pass a negative number here then you will be able to do subtraction. then if I want to perform multiplication, multiplication kaise perform kar sakte hain, to perform multiplication if I do 5 multiplied by 4, what it really means is either you add 5 4 times, ya to 5 ko 4 times add karo, or you add 4 5 times, ya to aap 4 ko 5 times add karo. so the result of this multiplication will be equivalent to these two operations. सो बेसिकली टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन यू कैन सिंपली डू एडिशन। मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए भी हमें रिपीटेड एडिशंस की ज़रूरत है।
इन द सेम वे इफ आई वॉन्ट टू परफॉर्म डिविजन, अगर आप डिविजन को परफॉर्म करना चाहते हैं, सो दिस डिविजन कैन बी डन बाई यूजिंग सब्ट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 10 डिवाइड बाई 2, सो 10 डिवाइड बाई 2 द रिजल्ट इज 5. नाउ वट इट रियली मीन्स इज हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10 सो दैट द एंटायर रिजल्ट विल बी 0. जैसे दिस इज 10 माइनस 2 अगेन माइनस 2 अगेन माइनस 2 अगेन माइनस 2 अगेन माइनस 2. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 5 टाइम्स फ्रॉम 10, अगर 2 को 10 से 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे देन द रिजल्ट विल बी 0. देन यू जस्ट हैव टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू हैड यू परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन, आपने कितनी बार यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया, एंड फ्रॉम दैट यू कैन परफॉर्म दिस डिविजन ऑपरेशन. सो दैट मीन्स योर फंडामेंटल ऑपरेशन इज ओनली एडिशन. Just by performing addition, you can perform subtraction, you can perform multiplication, you can perform division, and these are the four basic operations. And using these four basic operations, you can do lot of more new operations. आप और भी बहुत सारे ऐसे operations हैं जो इन चार basic operations से perform कर सकते हैं. So that means in your system, I just have to find out a logic in such a way, then just by using an adder circuit, I can even perform a subtraction. मैं सिर्फ एडर सर्किट को की हेल्प से सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकता हूँ. फॉर दैट आई हैव टू फाइंड आउट हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दीज नेगेटिव नंबर्स, मैं माइनस वाई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सो टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स वी हैव थ्री फंडामेंटल थ्री वेज यू कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स. द फर्स्ट वे is we can use the sign bit representation. पहला तरीका है कि आपके पास sign bit representations आप use कर सकते हैं. The second way is we can use one's complement representation to represent negative numbers. And the third way is we can use two's complement representation for negative numbers. हम two's complement को use कर सकते हैं. Okay, so by the way, it is not just like ones and twos complement, we can also find tens complement, we can also find nines complement, but that is for decimal numbers. So I'll explain later on ki hum isko kaise kar sakte hain. Right now just try to understand how to represent these negative numbers. So we have sign bit representation, we have ones complement representation, and we have twos complement representation. In sign bit representation, I'm going to take the most significant bit, I'm going to convert it to sign bit. Jaise let us assume we have only two bits, aapke paas sirf do bits hain. So the bits that you have, they are 00, 01, 10 and 11. So with two bits, there are four combinations are possible. And if the most significant bit is 0, I'm going to assume that it is a positive number. If the most significant bit are 1, then I can assume that it is a negative number. That means this is representing plus 0, this is representing plus 1, this is representing minus 0, and this is representing minus 1. In the same way, if you have three bits, then what are the combinations? We can have 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, and 111. So that means these bits where we have zero in the most significant bit, this is MSB and this is LSB. So in the most significant bit, if it is zero, then I can assume these are positive numbers. And here I can assume these are negative numbers. हम यहाँ पर assume कर सकते हैं कि सभी जो है ये हमारी negative numbers हैं. So that means this is representing plus 0, this is representing plus 1, this is representing plus 2, this is representing plus 3, this is representing minus 0, this is representing minus 1, this is representing minus 2, and this is representing minus 3. तो ये सभी bits यहाँ पर आप represent कर सकते हैं. बट इफ यू लुक एट इट हियर, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इफ यू लुक एट इट हियर, सो वी आर वेस्टिंग टू कॉम्बिनेशंस जस्ट टू रिप्रेजेंट जीरो. आपके पास प्लस जीरो और माइनस जीरो, वी डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. वी प्लस जीरो एंड माइनस जीरो बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज है. सो बेसिकली वी आर वेस्टिंग टू कॉम्बिनेशंस टू रिप्रेजेंट जीरोस. एंड हियर इफ वी हैव एन बिट्स, अगर आपके पास टोटल एन बिट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ एन बिट्स व्हाट इज द मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहाँ पर थ्री बिट्स हैं, the minimum number is minus 3 and the maximum number is plus 3. So that means if you have n bits, the minimum number is minus 2 raised to power n minus 1 plus 1 to the maximum number is plus 2 raised to power n minus 1 minus 1.
this is the limit. So this is the minimum number that you can represent, and this is the maximum number that you can represent. So basically if you analyze it, you will identify, aapko yahan par kuch pata chalega, you will identify that with these n bits, there are 2^n combinations are possible. Out of these 2^n combinations, we are only utilizing 2^n-1 combinations. Why? Because jaise yahan par 8 combinations hain, out of these 8 combinations, you have +0 and -0, so you are wasting one combination just to represent a zero, right? So yahan se jo jitne unique numbers hain, you can only represent 2^n-1 unique numbers. Itne hi numbers ko aap represent kar pa rahe hain. These are the number of unique numbers that you are representing. So then we thought, let's try to find out one's complement. So one's complement ka concept kya, let's try to identify one's complement. So in one's complement, if I find out the one's complement of a number, that will represent a negative counterpart. Jaise if you have 3 bits, so we have 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, and 111. So if I take any combination here, if I try to take a one's complement of that combination, that will be representing a negative number. That means if it is representing 0, then what is the one's complement of this? Iska one's complement kya hoga? This is the one's complement, it is representing -0. If it is representing 1, then this is representing -1, because this is a one's complement of that. Uska one's complement hai. If this is representing 2, this is representing -2. If this is representing 3, then this is representing -3. So again, you can see you are wasting one combinations just to represent +0 as well as -0. So here you can see again the limit is -2^n-1 +1 2 +2^n-1 -1. So ye jo hai, ye yahan par aapki limit hogi. This will be your limit. That means this is the minimum number that you can represent, and this is the maximum number that you can represent. Again, you are wasting two combinations just to represent the same number. Two combinations se aap sirf 0 ko represent kar rahe hain. Then we introduce the concept of 2's complement. That means if you have a number and if you take the 2's complement of that number, that will represent the negative counterpart. Jaise if you have 0, 0, 0. So what is the 2's complement of this number? If I take 0, 0, 0, then 1's complement is 1, 1, 1. Add +1, then we are going to get 1, 0, 0, 0. So this is representing -0. तो ये जो है -0 क्या, अगर इफ यू टेक ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 बिट्स, आई विल नॉट गेट दैट नंबर, तो मुझे वो नंबर नहीं मिलेगा. सो दिस इज 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1. दैट मींस इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, नाउ 1000 विल बी द 2's कॉम्प्लीमेंट, बट अगेन 1000 इज नॉट प्रेजेंट हियर, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1, then its 2's complement will be this one. This is representing -1. If this is representing 2, this is representing -2. If this is representing 3, this is representing -3, and this is representing -4. That means we are utilizing all of these possible combinations. Hum yahan par in sabhi possible combinations ko represent kar rahe hain. So here you can see that the minimum number is -2^n-1, 2 maximum number is +2^n-1 -1. तो यहाँ पर जो नंबर है, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, हम सभी कॉम्बिनेशंस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं. सो दैट इज वाई व्हेन आई से इन सी प्रोग्रामिंग योर इंटीजर वेरिएबल इज ऑफ 2 बाइट्स. अगर इंटीजर वेरिएबल्स आपका 2 बाइट का होता है, फिर इंटीजर वेरिएबल इज ऑफ 2 बाइट, दैट मीन्स इट इज अ टोटल ऑफ 16 बिट, एंड विद दिस 16 बिट द मिनिमम नंबर दैट यू कैन रिप्रेजेंट इज -2^15 टू +2^15 -1, and this number is -3 2 7 6 8 to +3 2 7 6 7. तो ये आपके पास यहाँ पर नंबर बनेगी. सो इन दिस मैनर यू कैन यूज 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन जस्ट टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव काउंटर पार्ट. नाउ माई क्वेश्चन इज, हाउ डज दीज वर्क? हाउ कैन यू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बाई यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट, and how can you perform, you know, subtraction by using 2's complement? Let us try to understand this part. Is part ko samajhne ki koshish karte hain. Okay, so let us assume that we have 4 bits. Jo bhi number hongi hum usko 4 bits se represent karenge. That means it is representing a nibble. Isko hum nibble bolte hain. So if I want to do subtraction between 5 - 4, hame 5 - 4 subtraction ko perform karna hai. So the concept is that I can perform this subtraction just by using addition.
So that means I want to do 5 plus of minus 4. Hum 5 plus of minus 4 ko karenge. I mean, I can do subtraction just by performing addition because your CPU is just adder logic. It does not perform subtraction. CPU jo hai wo sirf adder logic hai, wo subtraction ko perform nahi karta. So that means if I do 5 plus of minus 4, I have to represent this minus 4 in a negative counterpart. Either I can use 1's complement or I can use 2's complement. Dono tarike se aapko bataunga. I can use 1's complement representation and I can also use 2's complement representation to represent minus 4. And let us assume we are using 4 bits. So, agar aapke paas 5 hai, so 5 in 4 bits can be represented by 0, 1, 0, 1. This is 5. 4 in 4 bits can be represented by 0, 1, 0, 0. And if I want 1's complement of 4, 1's complement of 4. What is the 1's complement of 4? That is going to be 1, 0, 1, 1. Ye iska 1's complement hoga. Okay. And what is the 2's complement of 4? 2's complement of 4. 4 ka 2's complement kya hoga? That means if you add plus 1 to this, agar aapne plus 1 add karenge, so there is going to be 0, 0, 1, 1. So ye iska 2's complement yahan par represent karega. This is representing the 2's complement of 4. So first of all, let us take 1's complement. Hum sabse pehle 1's complement ko samjhane ki koshish karenge. We'll try to explain how can you perform this subtraction by using 1's complement. So you take number 5. So 5 is 0, 1, 0, 1. You take the 1's complement of 4. So it is 1, 0, 1, 1. And you try to add them. Aap in dono ko add karne ki koshish karenge. But if you know, already know that 5 plus of minus 4, this result is plus 1. Ye jo result hai, plus 1 hai. और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0, 0, 0, 1 से. दिस इज द रिजल्ट. एंड इफ यू चेक इट आउट, अगर आप यहाँ पर इसको चेक करेंगे, सो 1 प्लस 1 इज 0, द कैरी इज 1. 1 प्लस 0 प्लस 1 इज 0, द कैरी इज 1. 1 प्लस 1 प्लस 0 इज 0, द कैरी इज 1. अगेन 1 प्लस 0 प्लस 1 इज 0, द कैरी इज 1. एंड वट एवर द कैरी इज, जो भी आपके पास कैरी है, बिकॉज वी आर ओनली रिप्रेजेंटिंग बाय 4 बिट्स, वट एवर द कैरी इज, you just add the carry here. Aap is add carry ko yahan par add karenge, so the result you are going to get is 0, 0, 0, 1. So this is how you can perform subtraction just by performing addition. Aap is tarike se yahan par subtraction ko perform kar sakte hain sirf addition ko use karke. Let me explain how can you perform this subtraction in 2's complement form. 2's complement mein subtraction kaise perform karenge. So dekho, in 1's complement, if there is some carry that is generated, you just add the carry back. आप उस carry को सिर्फ दोबारा से add कर देते हैं. That's it. Nothing special. And how can we do in 2's complement? In 2's complement, the 5 will be represented as 0, 1, 0, 1. And minus 4 will be represented as 1, 1, 0, 0. This is how minus 4 will be represented. Now in this case, if I do 1 plus 0, the result is 1. 0 plus 0 is 0. 1 plus 1 is 0, the carry is 1. 1 plus 0 plus 1 is 0 and the carry is 1. And here I'm going to neglect. I'm going to neglect this end carry. So that means this number here, only this part is representing their subtraction. So this part is representing only plus 1. Ye jo part hai, ye sirf plus 1 ko represent kar raha hai. So you can clearly see in this manner, you can perform subtraction by using 2's complement as well as you can also perform subtraction by using 1's complement. It is such an easy concept. Itna asaan concept hai. So now you understand to perform subtraction, multiplication, division, you only need an adder. Aapko sirf adder ki zarurat hai. You do not need a subtractor, you do not need a multiplier, you do not need other combinational circuits. Aapko baki kisi bhi combinational circuit ki zarurat nahi hai. So let me take one more example here because I guess you guys will be very curious to know all of these things. So I'm going to take two examples here. In the first example, I'm going to subtract 196 minus 196 minus, make it 189. This is what I want to do. And the result here, so if you already know, the result is going to be 7. Ye aapka pehla concept hai. This is, first of all, this is what I'm going to do. And then as a second part, I'm going to perform 189 minus 196. And you know, the result here is going to be minus 7. तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो माइनस 7 है. सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट. तो अगर इसको 1's कॉम्प्लीमेंट पे करेंगे हम लोग, सो 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड व्हाट इज 1's कॉम्प्लीमेंट.
ऑफ 189. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हम 196 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन बाइनरी. हाउ कैन यू रिप्रेजेंट 196 इन बाइनरी? सो दिस इज 128 प्लस 64 इज 194, ठीक है. एंड दिस इज 192, 128 प्लस 64 इज 192, दिस इज 32, दिस इज 16, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 1. सो यू कैन सी इन दिस मैनर यू कैन रिप्रेजेंट 196. अगर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू इस पर 2, दैट इज 4, 3, 4, 5, 6, 64 प्लस 128, 128 प्लस 64 प्लस 4, दैट इज गोइंग टू बी 196. एंड देन हाउ कैन यू रिप्रेजेंट 189? अब 189 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो लेट मी इन अ रफ वर्क लेट मी ट्राई टू कन्वर्ट दिस 189. तो हमारे पास 189 है. सो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी. सो दिस इज 9 एंड दिस इज 4, द रिमाइंडर इज 1. Again divide by 2, this is going to be 4 and this is 7, the remainder is 0. Again divide by 2, this is going to be 2 and this is going to be 3, the remainder is 1. Again divide by 2, this is going to be 1, this is going to be 1, again remainder is 1. Again divide by 2, this is going to be 5, the remainder is 1. Again divide by 2, this 5, so I'm going to get 2, the remainder is 1. And here also I'm going to get 1 and the remainder is 0. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So aapke paas ye total 8 bits hai. So I'm going to represent 189 in binary as 1, 0, 1, 1, 1, 1. So 4 times 1 and then we have 0, 1. Okay. Then what is the 1's complement of this number? This number ka 1's complement hai. So 0, 1, 4 times 0 and then we have 1, 0. This is representing the 1's complement of this number. Okay. And what is the 2's complement of this number? Is number ka 2's complement kya hoga? What is the 2's complement? So this 2's complement is going to be 0, 1, 4 times 0, 1, 1. This is 2's complement. And how can we perform this subtraction 1's complement? Aapke paas 196 hai. You have 196. So 196 will be represented as 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. This is how 196 will be represented. And this 189 will be represented as 1011. So this is 1's complement. Na? So I have to take the 1's complement method here. So 1's complement jo hoga iska, that is 0, 1, 4 times 0. And then we have 10. This is minus of 189 in 1's complement. Now perform this addition. This addition ko perform karo, then you will get the result. So 0 plus 0 is 0. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 1 and here we have 3 zeros. Here we have 1 plus 1 is 0, remainder is 1. 1 plus 1 is 0, the carry is 1. And then just add the end carry here. Ab end carry ko add karenge. So you will get 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. And this is representing our number 7. So is tarike se aap yahan par ye jo hai, ye 1's complement ko represent kar raha hai. So just by using this 1's complement, I can perform this subtraction. हम 1's कॉम्प्लीमेंट से इस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. आई होप दैट यू अंडरस्टूड. नाउ लेट अस डू दिस सब्ट्रैक्शन बाय 2's कॉम्प्लीमेंट. इस सब्ट्रैक्शन को अब हम 2's कॉम्प्लीमेंट से करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो इट वाज वेरी इजी, राइट? बहुत आसान है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. सो इफ आई यूज 2's कॉम्प्लीमेंट, तो 2's कॉम्प्लीमेंट को कैसे करेंगे? जस्ट टू यूज दिस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 189. सो दिस इज गोइंग टू बी 0, 1, 4 टाइम्स 0, 1, 1. दिस इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ minus 189. I mean, this is minus 189. 2's complement of 189 is this much. So perform this addition. So 0 plus 1 is 1. 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 1. And then here we have 3 times 0. 1 plus 1 is 0. Carry is 1. 1 plus 1 is 0. Carry is 1. So you are going to discard this end carry. Jo aapka end carry hai, usko discard karo. This is representing the number plus 7. Ye plus 7 ko represent kar raha hai. So in this way, you can easily perform it. Ab is tarike se isko easily perform कर सकते हैं. नाउ लेट अस परफॉर्म द सेकंड वन हियर. तो हम सेकंड को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. सो इन दिस केस आई हैव दिस नंबर व्हिच इज माइनस 196. सो वी नो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट 196. 196 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो दैट इज गोइंग टू बी 1100100. देन व्हाट इज द 1's कॉम्प्लीमेंट इसका? क्या होगा इसका 1's कॉम्प्लीमेंट? क्या होगा इसका? द 1's कॉम्प्लीमेंट इज 001110. And what is the 2's complement of this number? Iska 2's complement kya hoga? So the 2's complement is 001. Here we have 1110. This is a 2's complement.
Now let us perform this addition. So we have 189. तो 189 को कैसे प्रेजेंट करेंगे? 1011101. And what is the ones complement of 196? So it is 00111110. So I think I have done some mistake here. So let me write again. So this is 00111011. तो ये आपके पास जो नंबर है, this is presenting -196. And this is presenting 189. ये जो है ये 189 को represent करिए, second number is -196. So perform this addition. So 1 plus 1 is 0, carries 1. So 1 plus 1 is 0, carries 1. 1 plus 1 is 0, carries 1. So this triple 1 is 1, carries 1. Triple 1 is 1, carries 1. Triple 1 is 1, again the carry is 1. So 1 here and here also 1. This is what I'm getting. तो अगेन चेक कर लो, एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं एडिशन के अंदर. सो बिकॉज देर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स हियर. सो 1 प्लस 1 इज 0, द कैरी इज 1. सो अगेन 1 प्लस 1 इज 0, द कैरी इज 1. सो दिस इज ऑल्सो 0, सो द कैरी इज 1. सो 1 इज फाइन. सो दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन. देन दिस 100 इज 1 एंड दिस 10 इज 1, राइट? सो दिस इज द नंबर दैट आई एम गेटिंग. एंड इफ यू चेक आउट, ये जो नंबर है, this number is representing ones complement. ये किसका ones complement है? Because this is representing negative counterpart. ये जो result हमारे पास आया है, ये एक negative counterpart है, right? अगर आप इसको check out करोगे, if you try to make all the possible combinations of 8-bit, then you will identify this is representing a negative counterpart. So that means if this is representing some negative counterpart, कि किसका negative counterpart है, try to take the ones complement. So this is 0001111. सो यानी कि ये जो है ये प्लस 7 का नेगेटिव काउंटर पार्ट है, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग -7. ये जो है ये -7 को रिप्रेजेंट कर रही है. इन दिस मैनर यू कैन परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट. अब इस तरीके से सब्ट्रैक्शन को वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आई होप दैट यू अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आया होगा. ओके, नाउ हाउ टू परफॉर्म दिस इन टूज कॉम्प्लीमेंट, आई एम लिविंग दिस ऑन यू. आप टूज कॉम्प्लीमेंट इसको कैसे करेंगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ. Try to do some practice, try to solve it. Maybe I think you will be able to get it. Okay, if you get any doubt, please feel free to ask. Now, just like we have ones complement and twos complement for a binary number, in the same way, for other numbers also, we can find r's complement and r minus ones complement. Mera kehne ka matlab kya, what do I really mean to say by this is, so if we have a binary number, that means the base is 2, the radix is 2. For these binary numbers, we find ones complement, and we also try to find what is the 2's complement. Hum isko 1's complement find out karte hain iska, aur 2's complement bhi find out karte hain. If we have a base 3 number, then I can find 2's complement here and I can find 3's complement here. Yahan par iske 2's complement bhi find out kar sakte hain aur 3's complement bhi find out kar sakte hain. In the same way, even if we have octal number, for octal number I can find 7's complement and I can find here 8's complement. Even if we have decimal number, that is the base 10, for decimal numbers here, जो भी आपकी base 10 की number है, for these decimal numbers, I can find this 9's complement, and here this is 9, this is 10's complement. हम इसके 9's complement और 10's complement को भी find out कर सकते हैं. Okay, so basically these things exist. Most of the time क्या होता है कि college के अंदर, जैसे मैं भी college में था, so during my college time we have already studied this 1's complement and 2's complement, but when I got to know that there also exists a 9's complement and there also exists a 10's complement, I got very amazed. I got to know ki ye sab cheeze kya hai, matlab how can I really do it, what are this 9's complement and 10's complement, what are 1's complement and 2's complement. To usko pehle samajhne ki koshish karte hain. First of all, let us try to understand the basics of 1's complement and 2's complement. Is basics ko samajhne ki koshish karte hain. So let us try to understand what is this 2's complement and let us try to understand what is this 1's complement. सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, then we will also look at the other numbers. Okay? So we are first of all talking about binary. सबसे पहले हम binary की बात करते हैं, and in this binary I told you that we can find 1's complement and we can also find 2's complement. ठीक है? So let us try to understand what is this 1's complement and 2's complement. So here in binary, if I have a number which is plus 3 and I am representing this number with 4 bits. So 4 bits se kaise represent karenge? This is going to be 0011 in binary. Hum isko kuch is tarike se binary mein represent karenge. So basically when I say it is 2's complement,
2's complement means, 2's complement means, these are 4 bits, right? So with the with these 4 bits, you take 2^4, right? This is the maximum number of combinations, right? 0 se lekar 2^4 minus 1, there is 0, so 15 is the maximum number. So I just take, these are 4 bits, so I'm going to take 2^4. And from this 2^4, I'm going to subtract this 3. So 2^4 se agar hum 3 ko subtract karenge, this is going to be 16 minus 3, or you can say this is going to be 13. So jo ki aapke paas aayega 13. And how can you represent this 13 in binary? Jo 13 hai, this is in base 10. So the 13 in binary is going to be 1101. 13 jo binary mein hai, wo 1101 hai. So basically, if you try to find 2's complement of this number, agar aap is number ka 2's complement find out karne ki koshish karenge, so the 2's complement of this number, is number ka jo 2's complement hai, so that is going to be 1101 with base 2. This is what 2's complement mean. And if I try to find 1's complement of this number, agar iska 1's complement find out karenge, so that is 2^4 minus 3 minus 1. Agar aap isko check out karenge, so this is going to be 16 minus 4, that is going to be 12, jo ki yahan par aayega 12. And this 12 in binary, it is basically 1100 in binary. So if you can clearly see, for this number, if you try to find the 1's complement, so iska jo 1's complement hai, that is going to be 1100 in base 2. So ye is number ka 1's complement hoga. Okay? Now, ye concept kya? What this concept really says? Hum log yahan par addition kyun perform kar pate hain? Why? I mean, how can we perform subtraction just by performing addition? Hum subtraction ko kyun perform kar sakte hain addition ki help se? So basically, in a number system, agar aap koi bhi number system ko lenge, jaise in a number system, you have numbers like minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, up to so on. In this way, the number system grows. Okay? So what if I do a concept like this? Agar main kuch aisa concept karta hun, jaise agar mere paas do number hai, jaise number is 4 and I want to do 4 minus 3. I want to do 4 minus 3. Agar main 4 minus 3 ko perform karna chahta hun. So this minus 3, so this really means is 4 plus of minus 3. 4 plus of minus 3. Ab ye jo minus 3 hai, ye minus 3 kiska 2's complement hai? I mean, this minus 3 is a 2's complement of 3, right? So, agar main 3 ko represent karta hun, if I represent 3 in binary, so 3 is 0011. 3 jo hai, uska matlab hai 0011. And if I want to find 2's complement of 3, 2's complement of 3, wo kitna hoga hamare paas? That is 16 minus 3, which is equal to 13. So, 2's complement hai 3 ka, wo 13 hoga. That is, we have already seen. So, yahan par humne check kiya, if this is number 3, the 2's complement of 3 is 13 in decimal, so jo ki hum 1101 se represent karte hain. So basically, what I really want to do here is, main yahan par kya karne ki koshish kar raha hun, what I really want to do here is, I'm taking this number 4 and I'm adding this number 4 by 13. Main is number 4 ke saath 13 ko add karne ki koshish kar raha hun. So if I add 4 plus 13, so this number is going to be 17. Ye number kya hogi aapke paas? 17, right? But interesting fact is, agar aapke paas sirf 4 bits hai, if you have only 4 bits, with these 4 bits, the minimum number that you can represent is 0, okay? And the maximum number that you can represent is 15, right? So when we have unsigned format, yani ki 4 bit ke saath minimum number aap 0 ko represent kar sakte hai, maximum number 15 ko represent kar sakte hai, unsigned format mein. This is an unsigned format. And this 17 is actually bigger than this range, jo ki is range se bigger hai. Agar aap yahan par check karoge, with these 4 bits, we have total of 16 combinations. 0 se lekar 15 tak aapke 16 combinations hai. And this 17 is one bigger than that combination. Jo 17 hai, wo us 16 combination se ek bada hai. Correct? Wo kitna bada hai yahan par? Ek bada hai. So if I just do 17 minus 16, that is going to be 1. And this 1 is the result here. Jo 1 hai yahan par, wo iska result hai. Okay, so basically what we try to understand, what we try to do here is, whatever extra bit you are getting, jo bhi yahan par extra bit aa rahi hai aapke paas, so that extra bit we are going to discard. Because wo 4 bits ke andar nahi aa rahi, wo extra bit jo 5th bit mein aa rahi hai, and with 4 bits, we cannot use 5th bit, right? So that is why we can perform this addition. Obviously, I think I made this little complicated, shayad main thoda sa complicated bana diya hai. Toh,
ओके, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद डेसिमल नंबर. पहले मैं डेसिमल नंबर का जो फॉर डेसिमल नंबर्स, लेट मी फर्स्ट ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज टेंस कॉम्प्लीमेंट, देन अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. दिस विल बी वेरी वेरी इजी. सो राइट नाउ इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन बाइनरी, दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. वहां पर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो व्हाट वी डू इज इफ वी हैव अ बेस आर, इफ वी हैव बेस आर, so this base R, we can find R's complement as well as we can also find R minus 1's complement. हम यहाँ पर R's complement और R minus 1's complement को find out कर सकते हैं. So this R's complement is basically R raised to power n minus x. So if this number is x, then this is R raised to power n minus x. And this R minus 1's complement is R raised to power n minus x minus 1. ठीक है? जैसे जैसे सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ नंबर व्हिच इज 93 इन बेस 10. 93 आपके पास बेस 10 है. सो दिस इज अ टू डिजिट नंबर. सो इफ आई वांट टू फाइंड द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, सो इफ आई वांट टू फाइंड द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, सो दिस टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर इज बेसिकली योर 10 रेज टू पावर 2 माइनस 93. So that is R raised to power n minus 93. So number of digits also matter. कितने digit है वो भी matter करती है. So 10 raised to power 2 minus 3. So which is going to be 100 minus 93, which is equal to 7. जो यहाँ पर 7 आ रहा है. Okay? Again, let me take a smaller value here. तो मैं थोड़ा सा और smaller value ले लूँगा यहाँ पर, because this value is I think bigger for you guys. Because there are few concepts जो मुझे यहाँ पर explain करने हैं, then you will understand कि मैं smaller value क्यों ले रहा हूँ. Okay? So let us assume that in decimal number, we are only going to consider all the decimal numbers which are three digit decimal number. हम सिर्फ तीन digit की decimal number को ही consider कर रहे हैं यहाँ पर. We are not considering any decimal number which is bigger than three digits. So that means if we have a number which is 093 in base 10, okay? So what is the tens complement of this number? Tens complement क्या होगा इस number का? What is the tens complement? So this tens complement here, this time the tens complement is 10 raised to power 3 minus 93. So remember last time I did 10 raised to power 2 minus 93, this time I have done 10 raised to power 3 minus 93 because we are using only 3 digit numbers. पिछली बार हम सिर्फ 2 digit number को use कर रहे थे, यहाँ पर हम 3 digit numbers की बात कर रहे हैं. So if I do 10 raised to power 3 minus 3 minus 93, so this is 9,000 minus 93 and I think this value is 907. ये जो वैल्यू है ये 907 है. ओके, एंड इफ आई ट्राई टू फाइंड द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस नंबर, अगर इस नंबर का मैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूंगा, सो दिस नाइन्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 रेस्ट पावर 3 माइनस 97, सॉरी माइनस 93 माइनस 93 माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी 906. ये इसका यहाँ पर जो है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा. सो लेट अस सपोज नाउ इफ आई वांट टू परफॉर्म सम सब्ट्रैक्शन, आई वांट टू परफॉर्म 143 माइनस 93, दिस इज व्हाट आई वांट टू परफॉर्म. 143 माइनस 93 मुझे परफॉर्म करना है. सो दिस 143 इन बेस 10 एज वेल एज दिस 93 इज ऑल्सो इन बेस 10. सो बेसिकली इफ आई हैव माइनस 93, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 143 प्लस ऑफ माइनस 93. And I can represent this minus 93 in tens complement format as 907. तो हम इसको represent कर सकते हैं. This is 143 plus 907. ये हो जाएगा 143 plus 907. Okay. So that means perform this addition. So this is 907. This is 143. So this is going to be 0. So this is 5 and this is 10. Right. So 1053. So this is the result is 1050, right? 1050. Now one thing you noticed here that we are only talking about three digit decimal numbers. आपकी जो three digit की decimal number है, the minimum three digit decimal number is 000 and the maximum number is 999. And this value is basically bigger than that. ये जो value है ये उससे बड़ी है. So that means this last digit here, I have to discard this last digit. ये जो last digit है मैं इसको discard करूँगा. So the number I'm going to get here is 050 in base 10, which is representing 50. So अगर आप check करेंगे, if you do it, minus 143 minus 93 is only 50. 143 में से अगर आप 93 को subtract करेंगे, तो आपके पास 50 आएगा. Okay?
So in the same way, if I want to perform this subtraction in your 1's complement format, अभी जो subtraction मैंने perform किया था, this was in 2's complement format. Let us assume I want to perform this subtraction in 1's complement format. मैं subtraction को 1's complement format के अंदर represent करना चाहता हूँ. So what I can do here is, I can take this 143 plus I can take 1's complement of minus 93. So this is going to be 906. If you add 143 plus 906, तो 143 में अगर आप 906 को ऐड करेंगे, so this is going to be 94 and 1049. तो नंबर आएगा आपके पास 1049. So again you can see the minimum number that we can represent is 000, maximum number is 999, and this is even bigger than 999. और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर नंबर आ रहा है, I'm just going to add this number here. अगर आप इसको दोबारा से ऐड करेंगे, the result is going to be 50. So in this manner, you can even perform this addition in these 10's complement as well as 9's complement. So in other words, I can say, if we have an n digit number, and the radix, or you can say the base is r, radix आपके पास r है, and the number that we have, it is p, then I can find out the r's complement. तो आपका जो r's complement है, so this r's complement is going to be r raised to power n minus p. And if I want to find out what is r minus 1's complement, तो ये जो आपके पास r minus 1's complement है, this is going to be r minus p minus 1. So this is what I can do. So you can take out this formula, and this is very important. ठीक है, so I hope that you understood. आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा.